जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी ड्रेस बनाकर दिखाती हूँ। उसके लिए मुझे 21 फंदे डालने हैं। 21 फंदे डालने के बाद एक पहली सिलाई उल्टी बिन लेंगे। मेरे लड्डू गोपाल 3 नंबर के हैं। आप यदि बड़ी लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना चाहती हैं तो 23 फंदे, 25 फंदे, 27 फंदे, इस तरह से फंदे डाल दीजिए, फंदे जोड़े के ना हों। अब पूरी ड्रेस उल्टी उल्टी सिलाइयों में ही बनेगी। और मैंने 10 नंबर की सिलाइयों का यूज़ करा है। अब मैं उल्टी उल्टी सिलाई बनाकर दिखाती हूँ। हर उल्टी सिलाई में पहली सिलाई छोड़कर दूसरी सिलाई में साइड वाले फंदे का 2 का 1 कर लेना है, एक ही सिलाई में करना है। अब ये मेरी दूसरी सिलाई आ गई। दूसरी सिलाई में पहली 2 का 1 कर लेना है, फिर पूरी सिलाई बिन लेनी है, फिर लास्ट वाला जब फंदा आएगा उसमें भी हम 2 का 1 कर लेंगे। एक सिलाई छोड़कर एक सिलाई में 2 का 1 करना है। अब हम तब तक 2 का 1 कर 2 का 1 साइड से करते रहेंगे, जब एक फंदा रह जाएगा तभी छोड़ देंगे। इस सिलाई में पूरी बिनेंगे, इसके बाद वाली सिलाई में 2 का 1 कर देंगे। हमें पूरा बनाकर दिखाती हूँ। अब मेरे पास 6 फंदे घटाते घटाते रह गए हैं। ये देखिए, इधर से भी घट गए हैं और इधर से भी घट गए हैं। अब इधर भी 2 का 1 कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पर 3 फंदे रहने हैं। अब मैं इनको तीनों को 1 कर दूंगी, इस तरह से। तो यहाँ से कट कर दिया। अब ये मेरा त्रिकोण बनकर तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पर से दूसरा रंग लगाकर फंदों को उठाऊंगी। अभी लगाकर दिखाती हूँ। अब ये तीसरा फंदा बिना, फिर इस तरह से सिलाई को पलटकर इसी तरह से सारे फंदे जितने उठाए हैं सब बिनते चले जाएंगे। अब इस वाले फंदे को बिनेंगे। फंदे को टाइट रखना है। अब इस फंदे को बिनना है। जितने फंदे घटे थे उतने सब फंदे उठाइए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन बन जाता है। इस तरह से देखिए, यहां पर एक जाली जैसी आती रहेगी।
अब मैं यहाँ तक उठाकर दिखाती हूँ, थोड़ा और बना के बता देती हूँ। इस तरह से आप पूरे यहाँ तक उठाकर दिखा रही हूँ। अब ये फंदे यहाँ तक बन गए, अब इनको घटाना शुरू करेंगे। एक सिलाई में घटाएंगे और एक सिलाई में नहीं घटाएंगे। सिलाई में घटाएंगे फिर एक सिलाई में नहीं घटाएंगे। अब एक फंदा रह जाएगा, तब तक घटाते रहेंगे। अब मेरे पास इस तरह से घटते घटते दो फंदे रह गए, इनको भी 2x1 कर देना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी फंदों को एक सिलाई में उठा लेना है। जितने घटाएं वहाँ से, एक गांठ ये है, ये इस तरह से सारे फंदों को उठा लेना है। ये तो फंदा है ही मेरे पास। अब इस सिलाई को मुझे बिनकर यहाँ तक ले आना है। इस तरह से इन फंदों को भी बिन लेना है।
ये सिलाई को यहाँ से यहाँ तक बनाकर लाना है। अब यहाँ पर मैं दूसरा रंग लगाऊंगी। जितने भी रंग आप लगाना चाहें उतने रंग लगा सकते हैं। रंग उल्टी तरफ से ही लगेंगे। यहाँ तक ये सिलाई पूरी मिल जाएगी। अब इधर से भी दो का एक करना है और इधर से भी दो का एक करना है। दो का एक करना है। इसी तरह से इधर भी दो का एक, इधर भी दो का एक करके दिखाते हैं। ये चार फंदे रह गए जो मैंने तीसरा रंग लगाया था। इस तरह से दो को एक कर लिया। तरह से पहले इधर फंदे उठाए थे सफेद, उसी तरह से अब इधर भी उठाएंगे। ये जहां पर से गांठे हैं वहीं पर से इस तरह से ये फंदे उठा लिए। अभी आगे बताते हैं। एक फंदा ये उठाया, इस तरह से एक फंदा उठाया, फिर इसको एक फंदे को मिल लिया। फिर इसको उतारा, इसको इस तरह से मिल लिया। अब दो फंदे बिन चुके, अब तीसरा फंदा बिनेंगे। ये फंदा मुड़ा हुआ, इसको सीधा नहीं करना है। सीधा कर लेंगे तो जाली नहीं आएगी। ये फंदा मिल गया। इस तरह से जाली आती जाएगी।
अब ये वाला फंदा बिंदी, उनको थोड़ा टाइट रखना है। यहाँ तक मैं बिनकर दिखाती हूँ। अब इसको यहाँ तक बिनने के बाद घटाना शुरू करेंगे। अब इस तरह से यहाँ पर से जैसे इसमें घटाया था इसी तरह से इसमें भी घटाना शुरू करेंगे। जब इधर सीधी साइड की तरफ आएंगे तभी घटाएंगे। इस तरह से यहाँ तक जब एक फंदा रह जाएगा तब तक घटाते रहेंगे। ये उल्टी सिलाई बिनकर यहाँ तक ले जानी, इसी तरह की एक धारी इधर भी पड़ जाएगी। अब इसमें दो रंग लग चुके हैं, अब मैं इसमें तीसरा रंग लगाऊंगी। ये रंग अब इसमें लगाऊंगी। कोई भी रंग हो वो उल्टी सिलाई में ही लगता है। इस तरह से इसको दबा लिया ताकि निकले ना, थोड़ा बच जाने पर काट देंगे। अब इसको यहाँ से घटाना शुरू कर देंगे, दो इधर से दो इधर से। जिस तरह से ये त्रिकोण बन गया था उसी तरह से बैंगनी रंग से भी बन जाएगा। सब उल्टी सिलाई में ही घटाने हैं। जिस साइड से सीधा है उसी साइड से दो का एक करेंगे। अब मेरी ये 6 कली बन चुकी हैं। अब मैं ये लास्ट वाली कली बनाइए, इसमें मैं आपको एक बार फिर से फंदे उठाकर दिखाती हूँ। ये जितनी गांठें हैं उनमें सब में फंदे उठा लिए। यहाँ पर से घटाए थे वहीं पर से उठा लिया। एक फंदा इस साइड वाला उतारा था, पहले एक फंदा बिना फिर ये दूसरा फंदा। दो फंदे बिन लिए, अब ये तीसरा फंदा बिना। अब ये वाला फंदा बिना, फंदे को टेढ़ा है तो टेढ़ा ही बिनना, नहीं तो जाली नहीं आएगी।
किसी तरह से यहाँ तक सारे फंदे मिल गए। अब पूरे फंदे उठ गए हैं। अब यहाँ पर से घटाना शुरू करेंगे। उल्टी सिलाई में दो का एक कर दिया। इस पूरी सिलाई को बिन ले जाएंगे। यहाँ पर दो का एक कर दिया। अब ये सारे फंदे यहाँ तक घटा दें। दो का एक, दो का एक, दो का एक कर दें। अब यहाँ पर आकर दो का एक कर दिया। फिर ये सिलाई उल्टी बिन ले जाएंगे। अब मेरे जितने रंग लगाने थे सब रंग पूरे हो चुके हैं। अब इसमें इन गांठों में से फंदे उठाना शुरू करेंगे। अब इसमें एक सफ़ेद सिलाई बुनकर बंद कर देंगे। जिस तरह से लाइन इधर आई हुई है इसी तरह से लाइन एक इधर आ जाएगी। मैंने शुरू में 21 फंदे डाले थे, अब मेरे पास 21 ही फंदे हैं। अब एक उल्टी सिलाई सफ़ेद बनाकर बंद कर दूंगी। अब मैं इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि अगर एक सिलाई और बनाऊंगी तो ये पट्टी चौड़ी हो जाएगी। इस तरह से ये इकहरी पट्टी है, यहाँ पर भी इकहरी रहेगी। इस तरह से पूरी लाइन बंद करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसको बंद कर दिया। अब इसको यहाँ पर सिलकर इसको यहाँ से यहाँ तक सिल दिया। अभी सिलकर दिखाती हूँ। इस तरह से इसमें सिलाई करनी है कि ये लाइन सफेद वाली दिखाई देती रहे। थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, ये इतनी क्रोशिया किनारे बनाकर दिखाती हूँ। पचास फंदे डालकर उल्टी उल्टी सिलाइयों से एक पट्टी बना ली। मैं 50 फंदे डालकर एक पट्टी बनाकर दिखाती हूँ। अब इस पट्टी में दूसरा रंग लगाऊंगी। इस दूसरे रंग के बचे हुए धागे को पीछे दबाते रहेंगे। अभी एक धारी पिंक कलर की पूरी डालेंगे। मेरे पास 50 फंदे हैं। अब इन फंदों को
तीन का एक करते रहेंगे। पांच फंदे एक्स्ट्रा बचेंगे, उनको भी बीच बीच में घटा देंगे। 15 फंदे रह जाएंगे, तब तक घटाते रहेंगे। इस तरह से तीन का एक, ये तीन का एक, कहीं कहीं पर चार का भी एक कर लेंगे। इस तरह से फंदे पूरे घट जाएंगे। इस तरह से घटा लें। अब इसको बंद कर देंगे। इस तरह से सभी फंदों को बंद कर। अब मैं इसमें क्रोशिया से किनारी बना देती हूँ, सिंगल क्रोशिया से। ये ऊपर वाली चेन में पूरी बनाकर दिखाती हूँ। इसमें मैं बीच में बैंगनी रंग लगाती हूँ। सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। यहां से फंदे घटाए थे इस छेद में से। लड्डू गोपाल का कॉलर बनकर तैयार हो गया। अब मैं इस ड्रेस में लगाकर दिखाती हूँ। इस तरह से लगेगा। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को पहनाकर दिखाती हूँ।